जो माता पिता के तो यहाँ बूढ़े बुजुर्ग होकर बीमार होकर डेथ हो जाती है, लेकिन अमेरिका में बैठे रहते हैं। ऐसी भी शिक्षा नहीं, जैसे शहीद राजेश विष्णु वाचनालय बोझा सर के लाइब्रेरी के पवित्र प्रोग्राम के अंदर पधारे हुए इस समस्त क्षेत्र से सामने विराजमान पिता दिलेर बुजुर्गों, युवा साथियों, माता बहनों और मंच पे विराजमान सभी मंचासीन जो अपनी मेहनत और बलबूते पे तपस्या पसंद बहाते हुए पढ़ाई करके अपना नाम कमाया और आगे बढ़े। अपन सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए शिक्षा के साथ। देखो शिक्षा ये क्या होता है, घर का, जमीन का, गाड़ी का, कोई भी लेन देन का होता है अपना बंटवारा, लेकिन शिक्षा का बंटवारा नहीं होता है, अलग होता है। जब ये बात करते हैं कि भाई शिक्षा का बंटवारा होगा, आपके पास शिक्षा है जो अपने पास रहेगी, इसलिए शिक्षा सबसे बहुत जरूरी है। और शिक्षा पाने के साथ साथ अपन ये देखें परिवार का कर्तव्य होता है। शिक्षा पहली कड़ी होती है कि स्कूल जाने से नहीं, घर से भी सीखी जाती है। 25% शिक्षा घर से सीखी जाती है, जो परिवार के माता पिता उनको वो देते हैं। 25% शिक्षा सीखती है अपने दोस्तों से सीखी जाती है, और 50% शिक्षा सीखी जाती है वो स्कूल से सीखी जाती है। तो जहाँ से अपना खुद अपन कहाँ बैठते हैं कहाँ उठते हैं यह ध्यान रखने का जरूरी है। अपन अगर पढ़ाई में कमजोर भी हैं, नहीं भी पढ़ जानते हैं या मन नहीं लगता है, हमेशा किसके साथ बैठिए, जो होशियार हैं हमेशा पढ़ाई के अंदर वो 10-12 घंटा बैठता है उसके साथ रोज बैठिए, अपने आप मन लग जाएगा, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात संस्कार, शिक्षा से पहले संस्कार। शिक्षा तो ऐसे ऐसे लोग लेकर के गए हैं जो पीछे परिवार का भी ध्यान नहीं रखते, फिर वो शिक्षा क्या काम की। शिक्षा वो होनी चाहिए, पहले अपने परिवार का ध्यान रखें, फिर समाज का ध्यान रखें, फिर राष्ट्र का ध्यान रखें, वो शिक्षा होनी चाहिए। ऐसे भी शिक्षक होकर लोग बाहर चले गए, कई समाज में कोई विष्णु के कारण नहीं है, जो माता पिता के तो या बूढ़े बुजुर्ग होकर बीमार होकर डेथ हो जाती है, लेकिन अमेरिका में बैठे रहते हैं। ऐसी भी शिक्षा नहीं, जो शिक्षा वो होनी चाहिए जो अपने परिवार का और अपने गाँव का भी ध्यान रखें, तो वो संस्कार मिलेंगे तो वो शिक्षा होगी, नहीं तो अपन पढ़ लिख के आगे चले जाए। एक में ऐसे ऐसे होते हैं जिसके परिवार में एक ही बच्चा होता है, वो पढ़ लिख के आगे बढ़ जाता था। ये ध्यान रखें कि परिवार का पहले ध्यान रहना चाहिए। इसके साथ समाज, समाज का दायित्व है। मैं बधाई देता हूँ अभिषेक जी को, जो मेरे वहाँ एयरफोर्स के अंदर छोगाराम जी, इनके चाचा जी सुरेंद्र जी मेरे पड़ोसी हैं, वहाँ रहते थे, हम तो 10-15 साल साथ ही रहते हैं। ये हमेशा से हम देखते थे छोगाराम जी का एक समाज के प्रति जो लगन था, उसी का प्रतिफल आज मिल रहा है। अभिषेक देखो, अगर जिसका पिताजी अच्छा कोई काम करेगा, समाज के प्रति समर्पित रहेगा, तो उसका बच्चा जरूर कुछ अच्छा करेगा। ये अभिषेक जी का और अभिषेक जी के साथ पूरी टीम आगाज है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आपने एक प्लेटफार्म तैयार किया है। देखो पैसा लगाना तो एक अलग बात है, मंदिरों में लगाते हैं, गौशाला में लगाते हैं, हर काम में लगाते हैं, लोग उसका रिजल्ट क्या निकलता है वो देखना जरूरी है। अपन देखते हैं जैसे प्रोग्राम करते हैं, बुला लेते हैं और बुला के ये बोलते हैं कि आप आरिया देना पड़ेगा, ये जरूरी है। देखो ऐसा बात नहीं, मंदिरों में 2-2 करोड़ रुपये लगाते हैं, उसका उपयोग क्या होता है वो देखना चाहिए। उपयोग क्या होता है, बनने के बाद ठीक है, एक संत रखा जाता है या कोई पूजा रखा जाता है, वो पूजा कर ले, लेकिन सफाई तक नहीं होती है तो उस पैसे का अनर्थ हो गया, कोई काम नहीं आया है, ये पैसा सही सदुपयोग हो गया। इसीलिए मंदिर तो घर के अंदर एक छोटा सा बना दे या गांव के अंदर एक छोटा बना दे, जहाँ शिव अमावस के दिन हो या कोई ऐसा होली या दीपावली जब बैठ जाए सार्वजनिक बात कर ले, इतना ही छोटा ही ठीक है। लेकिन शिक्षा के अंदर, टेक्नोलॉजी के ज़माने के अंदर, आज 21वीं सदी के अंदर शिक्षा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। मैं तो आपको विशेष कर ये कहता हूँ कि मैं आपके साथ इस काम के अंदर, मेरी हमेशा ही शिक्षा के अंदर इतनी भावना रहती है कि सबसे पहले अगर किसी प्राइवेट दी जाए तो शिक्षा में दी जाए। मैं आज से भी नहीं 10 साल से इस काम में लगा हुआ हूँ, लेकिन क्या होता है प्लेटफार्म थोड़ा, हर कोई टीम जुड़ना अलग बात होती है। अभिषेक जी को पता है, अभिषेक जी खुद भी अपन जयपुर घर पर कई बार आए हैं, मेरे अपने बच्चों के साथ उठते बैठते हैं जयपुर, अपने यहाँ के जैसला के मांगीलाल, लोहावट का संतोष सियाग, मेरे भोजागौर का रमेश जांगू, पवार भजन जी, ऐसे 7-8 बच्चे हैं। 7 बच्चे अभी RS के प्री क्लियर किए हैं, जो 5 साल से मेरे घर पे जयपुर रहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक मोटिवेट और माहौल के हिसाब से, अब एक 7 ही बच्चे हो जाएंगे ऐसी बड़ी बात थोड़ी, लेकिन उनका एक कंपटीशन होता है। उससे पहले उसका ऐसा कि एग्जाम था तो 3-4 ने क्लियर किया, तैयारी RS की कर रहे थे, लेकिन बीच में कोई भी एग्जाम आ जाए फाइट कर दिया, तो उसकी सफलता और उनका सोच लक्ष्य ऊपर था तो छोटे एग्जाम तो वैसे निकल जाते। तो ऐसे कि अपन सोचते हैं यार पढ़ाई करते हैं कैसे होगा, क्लियर कैसे होगा, कैसे परीक्षा पास होंगे, इतने 16,000 बच्चे देते हैं, 16 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 10 लाख देते हैं, ऐसा नहीं। अपन खुद अगर अपना लक्ष्य दृढ़ रखेंगे तो सफलता अपने चरणों में चूमेगी, इसमें कोई दोराय नहीं है। दूसरी बात, हमेशा कभी भी सामाजिक मंच हो, 36 गांव का मंच हो, समाज का अपना एक लक्ष्य होना चाहिए, समाज की अच्छाई होनी चाहिए, वो तो मन से करनी चाहिए। और समाज की जो बात कुरीति है,
जो भी रूढ़िवादी कुरीति है, गलत काम है, समाज के अंदर लड़ाई झगड़ा नशापत कोई भी, वो सम्मान से गुणगान किया जाता है तो छत्तीस को देखी जाती है कि बिश्नोई पूरी ऐसे है। इसलिए समाज की अच्छी सोच है, वो बात मन से की जानी चाहिए। समाज की गलती है उसको गांव के लोग बैठ करके घर जाके कहना चाहिए कि भाई देखिए ये काम गलत है, हम आपके साथ नहीं है, आपके साथ लेके भी नहीं चलेंगे। ये होना चाहिए, समाज के मन से बात की जाती है तो उससे हजारों लोग सुन के। ये आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, लाइव देख करके क्या कहते हैं अदर समाज के तरीके जाते हैं कि बिश्नोई पूरे ही अपराधी है, बिश्नोई पूरे ही गलत है। सोच ये रखना चाहिए कि विष्णु सर्वेश्वर समाज है। आज जैन समाज की देखिए, माली समाज की देखिए, पटेल समाज की देखिए। पटेल समाज को उदाहरण देता हूं, आज किसान कौम थी और आज अगर देखा जाए तो हर घर में बिजनेसमैन है, हर घर में सर्विस है, मेडिकल है, दुकान है। वो तो ये क्या करते हैं समाज का, जैसे भाई आगाज टीम बनाई या आपके एक सोसाइटी या कमेटी जैसे बनती है, वैसे उनके मंदिर के अंदर उनके जो भी सक्षम है उसका पटेलों से तो 1-2 लाख ऐसे एक इकट्ठा डोनेट करके इकट्ठा करते पेमेंट। फिर उसमें अगर जो पटल लिखा है कोई काम पे नहीं लगा है तो उसमें से ही समाज के पैसे दे करके उसको खड़ा किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। तो अपन को सब मिल करके एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे, इससे समाज आगे नहीं बढ़ता है। एक बार कोई विश्व बैंक अंदर सम्मेलन था, जो वहाँ अलग अलग गए थे तो वहाँ पे थे ये जो बल एक प्रोग्राम था उसे खुले टांके होते हैं ना, जिसमें कोई पक्षी बैठाए जाते हैं या कोई, तो उसमें कहते बुगले बैठ गए 10-20 भारत के थे और सब जगह गए थे। तो बोला गए आपके अंदर इतने समझदार कैसे गए, ये तो देखो ऊपर से खुला है फिर भी ऊपर नहीं उठते। और कंट्रियों के थे जो भी पक्षी से आए सब वो क्या करते थे ऊपर की जाली लगा रखे थे और उठ जाते। तो बोला यार ये भारत के बहुत समझदार पक्षी है, एक भी नहीं उठता है। तो उसने बोला और के तो समझदार इसलिए जाली है और भारत के जो भी ये पक्षी है इसके ऊपर जाली यूं नहीं रखी है कि ऊपर उड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक उड़ता है दूसरा टांग खींच लेता है। स्थिति यह है कि भाई एक उड़ना आगे बैठता है दूसरा टांग खींचने लग जाता है, अपना ये ज्यादा है, वो आगे आ जाएगा, वो आगे आ जाएगा। अरे सब उठो समय पे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने माता पिता को संस्पर्श करके हवन यज्ञ करके घर से निकलो। किसी का किसी के प्रति हल्का आंकने की कोशिश मत करो, बढ़ रहा उसको सपोर्ट कीजिए, अपन तो खुद बढ़ जाएंगे। अगर कोई बढ़ रहा है साथ आगे चल रहा है उसके साथ चलिए, वो भी बढ़ेगा अपन भी बढ़ेंगे। किसी को गिराने की कोशिश करेंगे वो भी गिरेगा और साथ में लेके डूबेगा। ऐसा नहीं सोचे समाज, छत्तीस कौम को साथ लेकर हर काम के अंदर आगे बढ़िए। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप इस टीम आगाज को और अभिषेक जी को ये कहता हूँ कि मेरा तो इस प्रोग्राम से देख करके हृदय गदगद हो गया। मैं रात को भरतपुर था, मेरा पप्पू राम जी का मेरा साथ सहयोगी, जैसे हम कहते हैं किसी सपोर्ट से मिलता है। पप्पू राम जैसे मेरे छोटे बेटे देखो मेरा मोल्स भी है, रॉयल्टी का ठेका है, काफ़ी कुछ है जय, लेकिन पप्पू राम जी साथ बैठने से मेरे रोज में मोटिवेट होते। तो उन्होंने जबरदस्ती मैं लेना के इच्छुक नहीं था, मैं पप्पू राम जी मेरे एक काम किए हुए नहीं था, उन्होंने मुझे 73 करोड़ का एक मतलब कॉपी खुद मैंने डाली उनके नाम से लेकर बैग टू बैग मुझे दे दिया। तो मैं तो वहाँ था लेकिन अभिषेक जी ने बोला कि आपको आना पड़ेगा। मैंने बोला 600 किलोमीटर रात दिन इस्तेमाल हो गया अभिषेक जी और प्रोग्राम है कि नहीं आपको आना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि शिक्षा के क्षेत्र एक मंदिर से पवित्र काम है, इसमें जाना जरूरी है। तो मैं अभिषेक जी को कहता हूँ, पूरी टीम आगाज को कहता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर आपको जब भी जरूरत पड़े कहीं भी लवावट फलौदी जोधपुर जहाँ भी जाएं जरूरत पड़े मुझे हमेशा बतलाइए, मैं साथ हूँ। आज इस आप काम बढ़ाने के लिए क्यों नजारी पे तो मेरे माता पिता का आशीर्वाद से देता हूँ और एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ आपको जरूरत पड़ेगी वहाँ बता देने मैं करूँगा। मैं जैसे कोविड कोई चीज़ कोई किसी के क्षेत्रवाद कोई बाटी थोड़ी जाती है। अब जैसे आप कोविड काल में काम किया, लूणी में प्लांट दिया, अपने फलौदी में दिया, जहाँ जरूरत होगी देंगे। समाज मानव भाव सेवा भाव से काम कीजिए, कहीं भी कीजिए, सब मिल करके कीजिए, एक दूसरे के साथ जुड़ के काम कीजिए। मैं इतना ही कह करके समय की पाबंदी होती थी मेरी बात को रोकूंगा। जय हिंद जय भारत। पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद जय भारत।